काफी अच्छे राजधानी का डोर समय बड़ा हड़कंप मच गया जब चलती हुई रेलवे बस में आग लग गई। हालांकि इस बस में से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में उस समय बड़ा हड़कंप मच गया जब एक रोडवेज की चलती हुई बस में आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन यहां पर आग लगने से इतना जाम लग गया कि जाम खुलवाने के लिए वहां पर यातायात के अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा। आपको बता दें कि रोडवेज की बस इतनी पुरानी थी कि उसमें आग लगना लाजमी था। हालांकि जांच का विषय है कि आग किस तरीके से लगी थी, लेकिन जो उसमें सवारी थी उनको सुरक्षित बचा लिया गया। और उसके बाद दमकल विभाग को संपर्क किया गया। दमकल विभाग के आने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस बस में आग पर काबू पाया गया। दरअसल ये बस दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी। जिस समय ये आग लगी उस समय बस में काफी सवारियां सवार थी जो कि अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी समय बस में आग लग गई जिससे इतना सारा बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आकर इस आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि रोडवेज के अधिकारी इस आग लगने के कारणों को क्या सफाई देंगे। और देखना यह भी होगा कि रोडवेज की इस बस में आग लगने का कारण क्या स्पष्ट हो पाएगा। अक्सर ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि रोडवेज इस हादसे से कितनी चबक लेता है।